CNBC 24 और मैं हूँ आरती बाला। आपके साथ अमूमन हमें पिक्चरें देखना बेहद पसंद होता है, ऐसे में हम सिनेमा हॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक चले जाते हैं और वहां पर इन सिनेमाओं का आनंद लेते हैं। पर हमें सबसे ज्यादा जो चीजें खटकती है वो है उसके अंदर खाने पीने की चीजों की महंगाई, जिसको लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब खाने पीने की चीजों पर जिस तरह से महंगाई हावी हो जाती है, ऐसे में ये मजे थोड़े किरकिरे हो जाते हैं, तो जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इनके मापदंडों में कुछ बदलाव किए हैं। क्या कुछ है वो बदलाव, अब दरअसल वो समझ लीजिए। अगर आप भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बिकने वाले खाने पीने की चीजों की महंगी कीमतों से परेशान हैं, तो ये खबर दरअसल आपके फायदे की है, क्योंकि अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया था कि बाहर से खाने वाली चीजों को सिनेमा हॉल में ले जा सकते हैं और सिनेमा हॉल संचालक उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अब ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। CJI ने कहा है कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम्स को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने ये भी दोहराया है कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। बता दें आपको कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की, जिस पर बेंच ने कहा है कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस तरह के नियम शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कमर्शियल मामला है। इस बाबत PVR के चेयरमैन और MD के मुताबिक हॉल में फूड और बेवरेज बिजनेस अब 15,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। भारत अब सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव का दौर है। इस मल्टीप्लेक्स को चलाने में काफी ज्यादा लागत आती है। ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए मल्टीप्लेक्स में स्नैक्स को ज्यादा कीमतों पर बेचा जाता है, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोग खुद के खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था। मतलब साफ है कि अब आप अंदर की चीजों के बजाय आप बाहर से भी खाने पीने की चीजें अंदर ले जा सकते हैं। तो देखा आपने, इस दौरान अब आपको अगर मल्टीप्लेक्स जाने हो या फिर सिनेमाघरों में मूवी देखने जाने हो, तो अब आपको बढ़ती महंगाई को लेकर थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि अब खाने पीने की चीजों को अंदर से लेने के बजाय आप बाहर से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे में थिएटर्स के लोगों को इस पर किसी तरह की कोई पाबंदियां लगाने की अधिकार नहीं होगी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत। नमस्कार।